आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गिवन अ क्वेश्चन हियर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज गिवन एज 2.83 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, ये डी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस अपन को दे रखी है 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, ओके। और अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, ये रिवॉल्यूशन, ये दे रखा अपन को 2.83 अर्थ पर ईयर, अर्थ पर ईयर, ओके। तो देखो अपन एक जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन है ना, तो अपन जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, टी वन स्क्वायर है ना, देखो टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन क्यूब डिवाइडेड बाई आर टू क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं इसके अंदर से आर टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो टी वन स्क्वायर, टी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी अपने पास 365, तो 365 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू कितना हो जाएगा अपने पास, हाँ टी टू हो जाएगा 2.8 अर्थ पर ईयर, मतलब 2.8 टाइम्स 365 और उस पूरी टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन, तो आर वन क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, ये आर वन ही तो है, तो 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 6 एंड डिवाइडेड बाई ये कितना है आर टू है और इस पूरी टर्म का होल क्यूब, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो 365 होल स्क्वायर से 365 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो आर टू डिवाइडेड बाई है ना, आर टू डिवाइडेड बाई 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 6 है और उस पूरी टर्म का होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाता है अपने पास 2.8 का होल स्क्वायर, तो मतलब आर टू का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8 टाइम्स 2.8 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5 एंड टाइम्स 10 टू द पावर 6 3 जा 18, तो 10 टू द पावर आ जाएगा अपने पास क्या 18, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या है, सॉरी आर टू का होल क्यूब है, है ना। तो मेरे को क्या निकालना, अब एक तरह से आर टू निकालना है ना बच्चों, तो देखो आर टू कितना आ जाएगा, 2.8 की होल पावर, तो कितना आ जाएगा, ये पावर 2 थी ना, तो 2.8 की होल पावर 2/3 टाइम्स यहाँ पर 1.5 की होल पावर 3 था तो कट जाएगा, तो 1.5 बचेगा टाइम्स 10 टू द पावर 6, ये इस तरह से बचेगा अपने पास। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो आर टू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे आ जाता है कि 2.8 एंड इसकी होल पावर कितना आ जाएगा, इसकी होल पावर आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये आ गया, फिर टाइम्स 1.5 तो कितना बनता है, ये 2.9798 टाइम्स 10 टू द पावर 6 और अपन को क्या दे रखा है, देखो मैं ऑप्शन में एक इंटीजर नंबर के फॉर्मेट में दे रखा है, तो आर टू इज इक्वल टू ये कितना किसके अराउंड हो जाएगा, 3 के अराउंड ही तो है, तो 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों यहाँ से, 3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, इट मींस ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट एंड दिस इज गोना बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।